जो मैं हूं इस देह से प्यारी, आसमान में चमकते सितारे की तरह एक चमकता हुआ सितारा। Padma Kumari, we have been exploring and teaching Rajyoga for over 80 years. Rajyoga is real sense, is connection with the Supreme Power. When I was so connected with Padma, I have become the ruler of my own sense organs. In Rajyoga meditation, one is in constant communion with the Supreme Being through one's mind. अभी हम सुनते हैं H.P. कनौरिया जी से आपके कुछ अनमोल शब्द. दिन मना रहे हैं पूरे विश्व में
यह योगा को दिन मनाया जा रहा है। कहीं लोग योगा का महत्व समझ रहे हैं, सभी सोचते थे जानते हैं कि हम शिव बाबा परमात्मा के बालक हैं, परमात्मा है वह परमात्मा है। मानो योगाभ्यास से भी
बहुत अच्छी शारीरिक बीमारियाँ दूर होती हैं, लेकिन राजयोग से आपको जो शांति मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव कुमार जी। अभी हम सुनते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट जस्टिस सुब्रत तालुकदार जी से, आप अपने अनमोल शब्द हमारे सामने रखेंगे इस योगा दिवस के मौके पर। ऑफ कोर्स I'm not an expert, therefore I won't speak much on yoga, but I do understand its value. The comparison between yoga and keeping your balance in life, as they say that it is riding a cycle throughout your life. And somebody asked a spiritual master in a TV program which I happened to be watching. And in that TV program it was asked, what happens when I'm cycling? And somebody who is sitting on the back of the cycle tries to disbalance me. So the answer has impressed me. The answer relates to a true yogic practitioner who is well versed in the art of cycling. The answer was that if you are tempted to be disbalanced, you will understand it immediately. And you will correct your cycle and you will correct your path. So there is no further understanding needed. The moment an attempt is made to disbalance you, you who are riding the cycle would understand its implication and correct yourself accordingly. अनुभवों से भरा हुआ जीवन, प्रेरणा स्रोत, ब्रह्मकुमारी सिस्टर आनंद दीदी, सीनियर सेंटर इंचार्ज, जो पिछले 40 वर्षों से इस कोलकाता भूमि के ऊपर और अन्य कई स्थानों पर अपनी सेवाएं देते जा रहे हैं, अपने जीवन को एक आदर्श रूप बनाकर अनेक जनों के जीवन को परिवर्तन करने के आप निमित्त बने, आइए हम सुनते हैं आपके अनुभव। आज के शुभ दिन पर आप सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। सर्वप्रथम जिस स्थान पर हम सभी आज एकत्रित हुए, जिससे हमारे कनौरिया भाई साहब का पूरा सहयोग रहा, कहेंगे एक अचानक ही प्रोग्राम भिन्न भिन्न कार्यक्रम समय प्रति समय कई स्थानों पर करते रहते हैं और आप सभी को निमंत्रण देते हैं। मैं बताऊंगी उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है। बता सकते हैं क्यों आप सबको बुलाते हैं? जिस परम पिता परमात्मा, जिस भक्त को आप भगवान ईश्वर खुदा अल्लाह कहते हो, वह परम पिता परमात्मा हम सब भाई बहनों को जो ईश्वरीय शक्ति देकर अपने कर्म क्षेत्र पर रहते हुए कोई संन्यास नहीं, कोई घर गृहस्थी को छोड़ना नहीं, पढ़ते हुए सब कर्म करते हुए कैसे उसकी याद की शक्ति से अपने जीवन को सुखमय बनाए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहता, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को परेशान देखना नहीं चाहते। तो आज हम कितनी भी भक्ति पूजा पाठ हम सभी भी करते आए और देखते हुए भी आए, लेकिन अनुभव यही कहता है कितनी भी भक्ति की, कितना भी पूजा पाठ किया, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय और पहचान नहीं होने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ, शक्ति का अनुभव नहीं हुआ। थोड़ी अल्पकाल की शांति का अवश्य होगा। कितना भी हम कर्म क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यहाँ एक घंटे का योग नहीं, दो घंटे का योग नहीं, योगी जीवन का अर्थ है वो परमपिता परमात्मा जो आपका पिता है। योग मीन्स संबंध, रिलेशन रखो, उसको भूलो नहीं, ना उसको याद करने की मेहनत करो, ना उसे भूल कर अपने जीवन को ऐसी व्यर्थ करो।